आपकी बार 400 बार एनडीए ने ये नारा दिया है और बाजार काफी खुश है, बाजार गदगद है कि आपकी बार 400 पार। पर अगर ये 400 नहीं हुई पार तो क्या होगा बाजार का हाल, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। कि पिछली बार बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और लगभग 353 सीट अलायंस की थी, और अब बीजेपी कह रहा है कि इस बार हम 400 सीट को पार करेंगे मिलकर। काफी बड़ा आंकड़ा है, 543 सीट लोकसभा चुनाव की हैं और जिसमें बहुमत के लिए मात्र 272 सीट सही है। अब तक कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें मिलेंगी, और अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर सीटें घटती हैं तो बाजार किस तरीके से उसको लेगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में पार्ट वन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, अगर अलायंस को सीट 400 से कम मिलती हैं तो उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर क्या होगा, और अगर सीटें पिछली बार से भी कम मिलती हैं तो बाजार उसको कैसे लेगा, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बाजार आपको सडनली ऐसी रिएक्शन दे जिसको आप झेल ना पाए और उस कंडीशन में आपको लॉस हो प्रॉफिट की जगह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं अगर बीजेपी की 400 नहीं आती है, 400 से कम रहती है, अलायंस को और भी कम सीट मिलती है तो क्या होगा बाजार के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्निंग इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप बढ़ चढ़ कर वोट जरूर करिए, वोटिंग करिए, आपका वोट काफी कीमती है और देश को आगे बढ़ने में आपका वोट बड़ा काम आने वाला है। अगर यूथ इस बात को सुने तो यूथ को बिल्कुल ध्यान देना है, आप वोटिंग से मत भागिए, अपना वोट जरूर किसी ना किसी गवर्नमेंट को डालिए जिससे आगे दिशा तय होगी। अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर करंट गवर्नमेंट को, एनडीए को अगर सीटें पिछली बार से कम आती हैं या 400 से कम आती हैं तो बाजार के अंदर क्या होगा, क्या बाजार उसको नेगेटिव लेगा। कि बीजेपी ने काफी अग्रेसिव टारगेट सेट किया है, करंट गवर्नमेंट ने जो एनडीए को टारगेट दिया है वो लगभग 400 सीटों का दिया है, देखा जाए तो काफी टिपिकल है, और बाजार में अभी कोई भी ऐसा नहीं मान रहा है कि वो सीटें 400 पार होंगी, पर बाजार ये जरूर मान रहा है कि करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है। जवाब ये है, अगर आप पिछले हफ्ते भर से मार्केट की रिएक्शन देखें तो जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है, अब बाजार को ये लग रहा है इट मीन्स करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है, और उस सत्ता में वापस आने के कारण आपने देखा कितनी बड़ी तेजी बाजार ने दिखाई है, पिछले एक हफ्ते के अंदर ये बाजार काफी बड़ी रैली दिखा चुका है। अब बात जैसे ये है कि इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, रिजल्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, अगर ये सीटें 400 नहीं आती हैं तो क्या होगा, क्योंकि करंट गवर्नमेंट की वजह से आप देखें काफी सारे सेक्टर ऐसे हैं जो लगातार पूछ हुए हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे सेक्टर है, पावर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, ये सभी ऐसे सेक्टर हैं, इवन बैंकिंग सेक्टर है जिनका करंट गवर्नमेंट पर विशेष रूप से फोकस है। और आप एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि पीएसयूज की जो रैली आई है उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों से पार्टिसिपेशन हुआ है, क्योंकि जो कैपेक्स है वो इस समय पीएसयू सेक्टर के अंदर है, और पीएसयू को जो देखने का लोगों का नजरिया बदला है वो कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट की नीतियों के कारण बदला है। बात यहाँ पर ये भी है कि अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, यानी कि 2019 की बात करें, तो लगभग 543 सीट्स पर ये चुनाव हुआ था, लगभग एनडीए अलायंस ने 353 सीट्स विन करी थी, और उस कंडीशन में बीजेपी को 303 सीट मिली थी, यानी कि बीजेपी की अकेले जो सीट थी वो बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी थी, 272 सीट पर बहुमत का आंकड़ा था, और बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली थी। अलायंस की सीट मिलने के बाद तो काफी बड़ा आंकड़ा हो गया, लगभग 33 पर वो आंकड़ा पहुंच गया। अब के बीजेपी ने जो आंकड़ा दिया है वो 400 पार का दिया है, यानी कि बीजेपी ये मान के चल रहा है कि बीजेपी 350 से ज्यादा सीट लाएगा, जो कि पिछली बार के मुकाबले काफी बड़ा वोटिंग शेयर होने वाला है। सट्टे बाजार के हिसाब से भी बात करें तो सट्टा बाजार इस समय ये मानकर चल रहा है कि बीजेपी को वेस्ट बंगाल से सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, बीजेपी को साउथ से सीटें थोड़ी बढ़कर मिल सकती हैं, कर्नाटका से सीटें थोड़ी बढ़कर मिल सकती हैं, पर सट्टा बाजार का ये भी मानना है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सीट कम मिलेंगी बिहार से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, तो कहीं ना कहीं उस कारण भी यहाँ पर बीजेपी की या अलायंस की चिंता थोड़ी बड़ी हुई है। अब इस रसम कश में जब चुनाव के नतीजे पास पास आ रहे हैं तो हमें किस स्ट्रेटेजी पर काम करना है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो बात यह है, अगर बीजेपी को 272 सीटें आ जाती हैं, यानी कि 272 का आंकड़ा बीजेपी अगर पार कर देता है तो बीजेपी की सरकार वापस आ रही है, ये तो आप लोगों को मान लेना है। अगर बीजेपी की सीट 303 से कम आती है उसमें यहाँ पर एक चिंता की बात होगी, इट मीन्स ये होगा कि लोगों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पॉलिसी से कहीं ना कहीं नाराजगी है जिसके कारण ये सीटें घटी हैं, उस पर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, उस कंडीशन में गवर्नमेंट को अपनी करंट पॉलिसीज को रिव्यू करना होगा, और हो सकता है गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है
उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कटौती करे या उसका डायरेक्शन चेंज करे, जिसका इम्पैक्ट करंट सेक्टर पर आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है जो FIIs का जो इनफ्लो है, अब जो वेटिंग पोजीशन में वो आपको दिखा रहे हैं, वो रिड्यूस हो, क्योंकि FIIs पॉजिटिव है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, PSUs को लेकर इसलिए पॉजिटिव है कि करंट गवर्नमेंट का कैपेक्स बार बार ये बता रहा है कि वी विल फोकस ऑन PSU सेक्टर। तो फंड फ्लो में भी दिक्कत हो सकती है, बाजार का मूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और करंट सेक्टर जो समय पॉजिटिव माहौल में है उनमें कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस दिखता है। यानी कि ये तो बात बिल्कुल जरूरी है कि अलायंस को 353 से सीट ज्यादा लानी होगी, बीजेपी को 303 से सीट ज्यादा लानी होगी। तो ये तो रूट बिल्कुल क्लियर मान के चलिए कि पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन करना होगा अगर गवर्नमेंट को ये जताना है बाजार को कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो सीटों में कन्वर्ट करके दिखाना होगा। अगर हम बैड सिनेरियो में भी देखें, अगर करंट गवर्नमेंट ये चुनाव हार जाती है, यानी कि इंडियन अलायंस की सीट यहाँ पर ज्यादा आती है और करंट गवर्नमेंट ये चुनाव हार जाती है, तो ये बात तय है कि बाजार के अंदर काफी बड़ी गिरावट होगी और बाजार के अंदर सब कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में हो सकता है आपको जो बाजार के फ्लेवर हैं वो बाजार से गायब होते हुए दिखाई दें, यानी कि डिफेंस, रेलवे, पावर जैसे जो सेक्टर हैं ये बाजार के फ्लेवर से गायब होते दिखाई दें और PSU उसमें बाजार का व्यू नेगेटिव हो जाए। तो एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अगर अलायंस की सीट 353 से कम आती है, 353 से कम आती है, तो बाजार एक बार डाउन साइड का झटका जरूर देगा, बाजार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और 2-3 दिन आपको बाजार के अंदर अच्छी खासी गिरावट दिख सकती है, बाजार के अंदर आपको हैवी सेलिंग दिख सकती है, और फिर बाजार इवेल्यूएट करेगा कि अब फ्यूचर में करना क्या है। यानी कि करंट गवर्नमेंट समय कमेंट्री होगी पर बाजार काफी डीपली फोकस करेगा, तो उस कंडीशन में आपको बाजार के अंदर एक झटका भी देखने को मिल सकता है। पर उस समय एक बात ये भी सच होगी कि करंट गवर्नमेंट के पास जो मैंडेट होगा वो ये बता रहा होगा कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को कैरी ऑन कर सकती है, अपनी गवर्नमेंट जो है फिर लोगों में दोबारा से विश्वास पैदा कर सकती है, जिसके कारण उसको आगे आने वाले 5 सालों में काम करके दिखाना होगा। अगर ये सीट 353 से ज्यादा आती है, 370 के आसपास आती है, तो उस कंडीशन में बाजार का सेलिब्रेशन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल से गेन होने का मतलब ये है। अगर 5 सीटें भी गेन होती हैं तो मुझे लगता है बाजार के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा, बाजार ये मानेगा कि जनता ने गवर्नमेंट को सैल्यूट किया है उनकी पॉलिसीज के लिए, तो बाजार भी जरूर उसको प्राइस इन करेगा, उसमें जो है तेजी आपको दिखाएगा। और यहाँ पर तो प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और उनको लगता है चुनाव के बाद बहुत बड़ी रैली होगी, तो उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि उनकी सीट 400 पार हो सकती है। तो बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अगर सीटें पिछली बार से ज्यादा आती हैं तो बाजार तेजी दिखाएगा, और अगर सीटें पिछली बार से कम आई तो बाजार के अंदर गिरावट आएगी, उस गिरावट में आपको थोड़ा ध्यान से सतर्क रहना होगा, और अगर मैंडेट नहीं मिलता है तो वो तो बाजार के लिए काफी हद तक नेगेटिव होगा। अब हम कल एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे अगर बीजेपी को, अगर अलायंस को, एनडी अलायंस को 400 पार सीटें मिलती हैं तो बाजार क्या करेगा, क्योंकि बाजार अभी से ही ये मान के चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट आ रही है, जब ऐसी तेजी दिखा रहा है, अगर इतनी बड़ी सीटें मिलती हैं, इतना बड़ा मैंडेट इस गवर्नमेंट को मिलता है, अलायंस को मिलता है, तो 400 पार में क्या होगा और आने वाले समय में क्या है, कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, कितना बड़ा फंड फ्लो आ सकता है, वो सब बातें मैं आपके साथ कल वीडियो में करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार, और आपका वोट बड़ा कीमती है, आप वोट जरूर डालें, लोकसभा के इस पावन पर्व में जरूर पार्टिसिपेट करें।